अभी तक हम लोगों ने बुद्धि के समूह कार्य सिद्धांत तक में चर्चा की थी। अब हम लोग बुद्धि के अगले सिद्धांत पे आते हैं, इसे पदानुक्रमिक सिद्धांत कहते हैं। बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1960 में फिलिप वर्नन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फिलिप वर्नन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार मानव की मानसिक योग्यताएं एक क्रमिक रूप में व्यवस्थित होती है, एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और इस क्रमबद्ध व्यवस्था में क्रमशः सामान्य कारक, मुख्य कारक, लघु समूह कारक तथा विशिष्ट कारक होते हैं। सामान्य कारक, मुख्य कारक, लघु कारक, विशिष्ट कारक ये पदानुक्रम में होते हैं, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम पड़ा बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत। सामान्य कारक सर्वाधिक व्यापक कारक है तथा यह सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में सहायक होता है, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को करने में सहायक होता है। सामान्य कारक को पुनः दो मुख्य समूह कारकों शाब्दिक व शैक्षिक योग्यताएं, पहला शाब्दिक व शैक्षिक योग्यताएं तथा दूसरा गतिक व यांत्रिक योग्यताओं में विभक्त किया गया। इन दोनों मुख्य समूह कारकों को पुनः शाब्दिक, आंकिक, यांत्रिक, सूचना, प्रयोगात्मक, स्थानिक जैसे लघु समूह कारकों में बांटा जा सकता है, और लघु समूह कारकों को विशिष्ट मानसिक कार्यों से संबंधित अनेक विशिष्ट कारकों के रूप में विभक्त किया जा सकता है। निसंदेह ये विशिष्ट कारक स्वीयरमैन के विशिष्ट कारक के समान है, और सामान्य कारक स्वीयरमैन के सामान्य कारक के समान है, के समतुल्य माने जा सकते हैं। कैटल ने सन 1963 में तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि में अंतर करते हुए कहा कि तरल बुद्धि मुख्यतः व्यक्ति के वंशानुक्रम से निर्धारित होती है जबकि ठोस बुद्धि मुख्यतः व्यक्ति के वातावरण से संबंधित होती है। इससे स्पष्ट है कि कैटल का तरल ठोस बुद्धि का प्रत्यय काफी सीमा तक वर्णन के मुख्य समूह कारक के ही समकक्ष है। वर्णन का शाब्दिक व शैक्षिक योग्यताएं कैटल के ठोस बुद्धि के तथा गतिक व यांत्रिक कारक तरल बुद्धि के समान। इसको हमने नोट्स में इसका चित्र भी बनाया है, वहाँ उसको चित्र से भी अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, और हमने क्लास में भी इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। अगर आपको याद होगा, जो लोग क्लास में रहे होंगे तो अच्छी प्रकार से इसको समझे होंगे, पुनः मैं यहाँ पे फिर से दोहरा दे रहा हूँ नोट्स में भी। तो कई बार इसलिए इसको किया जा रहा है जिससे अगर ये सारे प्रश्न इसमें से आते हैं, चाहे TET में आए या BED की परीक्षाओं में आए, तो आप उसको अच्छी प्रकार से कर सको, उसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती होने की संभावना कम से कम हो, ऐसी आशा में विश्वास के साथ इसको बार बार आपके समक्ष इसकी पुनरावृत्ति की जा रही है। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप इसको कितना ग्रहण कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, और परीक्षाओं में कितनी अच्छी प्रकार से लिख लेते हैं। तो आइए बुद्धि के एक नए सिद्धांत पर हम लोग चलते हैं, बुद्धि संरचना का सिद्धांत। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में बुद्धि संरचना के सिद्धांत भी पूछा गया परीक्षाओं में। तो बुद्धि संरचना के सिद्धांत पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसका एक संरचना तो भी मॉडल है, चित्र है, जिसमें तीन है संक्रियाएं, परिणाम और विषय वस्तु, इसलिए इसको तीन धीमा कहते हैं या बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन JP गिलफोर्ड नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। इसे बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप भी कहते हैं गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि को तीन विमाओं के परिपेक्ष में देखा जा सकता है प्रथम विमा को
तीन विमाओं के परिपेक्ष में देखा जा सकता है। प्रथम बीमा को उसने मानसिक कार्य करते समय निहित विषय वस्तु, प्रथम बीमा को मानसिक कार्य करते समय निहित विषय वस्तु या सामग्री के रूप में परिभाषित किया, विषय वस्तु या सामग्री के रूप में परिभाषित किया तथा कहा कि विभिन्न मानसिक कार्यों में चार प्रकार की विषय वस्तु निहित होती है। विभिन्न प्रकार की मानसिक कार्यों में चार प्रकार की विषय वस्तु निहित होती है, हो सकती है। विषय वस्तु के चार प्रकार क्रमशः आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक तथा व्यवहारिक है। आकृत, संकेत, शब्द और व्यवहारिक। आकृतिक विषय वस्तु का संबंध आकृतियों से तथा चित्रों से होता है। सांकेतिक विषय वस्तु का संबंध संकेतों, प्रतीकों, चिन्हों, अक्षरों, अंकों इत्यादि से संबंधित होता है, जबकि शाब्दिक विषय वस्तु के अंतर्गत भाषा के द्वारा विचार को प्रस्तुत किया जाता है, भाषा के द्वारा विचार को प्रस्तुत किया जाता है, जबकि व्यवहारिक विषय वस्तु व्यक्तियों के बाह्य व आंतरिक व्यवहार से संबंधित होती है, व्यक्ति के बाह्य व आंतरिक व्यवहार से संबंधित होती है। मिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि की दूसरी बीमा मानसिक कार्यों को करने में, बुद्धि की दूसरी बीमा मानसिक कार्यों को करने में निहित संक्रिया है। दूसरी बीमा क्या है? संक्रिया है। और संक्रियाओं को पांच प्रकारों में बांटा गया है, संक्रियाओं को पांच प्रकारों में बांटा गया है, संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन, अपरंपरागत चिंतन तथा मूल्यांकन, कॉग्निशन, मेमोरी, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड इवेल्युएशन। ये पांच संक्रियाएं हैं। संज्ञान से क्या है? सीखने का प्रथम चरण है। कोई भी चीज़ व्यक्ति सीखने की जो शुरुआत करता है वो संज्ञान से ही करता है। स्मरण सीखे गए ज्ञान को धारण करने करता है। परंपरागत चिंतन परंपरागत ढंग से विचार करता है। परंपरागत चिंतन नवीन ढंग से मौलिक ढंग से सोचने का तरीका है जो सृजनशीलता को भी प्रदर्शित करता है, इंगित करता है। मूल्यांकन क्या करता है? उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर, जो सूचनाएं उपलब्ध हैं उसके आधार पर निर्णय लेने व निष्कर्ष पर पहुंचने की क्रिया है। निर्णय लेने और उस पर पहुंचने की क्रिया है। विलफोर्ड के अनुसार, इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, मॉडल की तीसरी बीमा परिणाम या उत्पाद है। मॉडल की तीसरी बीमा क्या है? परिणाम या उत्पाद है, जो भिन्न भिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं के साथ भिन्न भिन्न मानसिक संक्रियाओं के करने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। और विषय वस्तु के साथ विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाएं करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। परिणामों को विलफोर्ड ने छह प्रकार में बांटा है। ये छह प्रकार कौन कौन से हैं? सूचनाओं की इकाइयाँ, इकाइयों के वर्ग, इकाइयों के संबंध, सूचना प्रणाली, प्रत्यावर्तन प्रणाली। ये छह परिणाम को उन्होंने, उत्पाद को उन्होंने बताया। मानसिक कार्यों में नहीं उपरोक्त चार प्रकार की विषय वस्तु और पांच प्रकार की संक्रियाएँ तो छह प्रकार के परिणामों के आधार पर मिलफोर्ड ने कहा कि कुल 120 भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताएँ भिन्न भिन्न कार्यों में संलग्न होती भिन्न भिन्न कार्यों में संलग्न होती हैं। ये सिद्धांत आपके सामने रखा गया, बुद्धि संरचना का सिद्धांत या बुद्धि का मॉडल, इसमें तीन बीमाएँ होती हैं। प्रथम बीमा को विषय वस्तु, दूसरे बीमा को संक्रिया, तीसरे को उत्पाद या परिणाम कहा। उसके बारे में हमने पूरा बता दिया डिटेल। आप उसको बार बार वीडियो सुन करके समझ सकते हैं और नोट्स में भी देख सकते हैं। आइए हम लोग बुद्धि के अगले सिद्धांत के सिद्धांत पर चलते हैं, जिस सिद्धांत का नाम है तरल बुद्धि ठोस बुद्धि सिद्धांत। तरल बुद्धि ठोस बुद्धि सिद्धांत, बुद्धि के इस सिद्धांत का प्रतिपादन आर वी कैटल ने सन 1963 में किया था। कैटल के अनुसार बुद्धि में दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, तरल बुद्धि ठोस बुद्धि, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। कैटल के अनुसार तरल बुद्धि का निर्धारण वंशानुक्रम कारकों द्वारा होता है, तरल बुद्धि का निर्धारण वंशानुक्रम कारकों द्वारा होता है तथा द्वारा होता है। वास्तव में तरल बुद्धि स्पीयरमैन के सामान्य कारक के समान है, तरल बुद्धि स्पीयरमैन के सामान्य कारक के समान है। आपको वहाँ बताया गया, अगर ध्यान होगा तो सामान्य कारक जन्मजात कारक होता है, ऐसे ही तरल बुद्धि भी क्या हो, जन्मजात कारक होती है, इसलिए इसे स्पीयरमैन के सामान्य कारक के समान ही मानना चाहिए।
तथा इसमें तर्क शक्ति निहित होती है। तथा इसमें क्या निहित होती है? तर्क शक्ति निहित होती है। ठीक इसके विपरीत ठोस बुद्धि का निर्धारण पर्यावरणीय कारकों द्वारा होता है। इसका पर्यावरणीय कारकों द्वारा उसका निर्धारण होता है। वास्तव में ठोस बुद्धि में उन क्षमताओं को रखा जाता है, ठोस बुद्धि में उन क्षमताओं को रखा जाता है जिन्हें व्यक्ति अपनी तरल बुद्धि तथा वातावरणीय उद्बोधन के द्वारा ठोस बुद्धि की सीमा का निर्धारण होता है। ठोस बुद्धि का विकास वयस्कावस्था में भी होता रहता है। कैटल के द्वारा प्रस्तुत तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि सिद्धांत की आलोचना बाद में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने किया। वास्तव में कोई शोध प्रमाण अभी तक इसके बारे में उपलब्ध नहीं है कि तरल तथा ठोस बुद्धि के बीच अंतर जिसको सिद्ध कर सके। इसलिए इसके आधार पर बाद के कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी आलोचनाएँ भी की थी। अब हम लोग आते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि कार्की के लास्ट और अंतिम है बहुबुद्धि सिद्धांत, है ना। बहुबुद्धि सिद्धांत सन 1983 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन हॉवर्ड गार्डनर ने किया था और इस सिद्धांत की खोज की, इसे बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर के बहुकारकी होता है। उसमें एक कारक ना होकर के बहुत सारे कारक होते हैं। उसने कुछ सात तरह की बुद्धि बताई, उन्होंने कुछ सात तरह की बुद्धि बताई। परिणाम परस्पर वे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं एवं प्रत्येक के क्रियाशील होने के कारण होने के ढंग अलग अलग होते हैं। प्रत्येक के क्रियाशील होने के ढंग भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। बुद्धि के सात प्रकार क्रमशः इस प्रकार हैं: भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीत बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मबुद्धि तथा व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। इस तरह से इन्होंने सात प्रकार की बुद्धि बताई। भाषाई बुद्धि क्या है? भाषाई बुद्धि से तात्पर्य शब्दों व वाक्यों की बोध क्षमता से, शब्दों व वाक्यों की बोध क्षमता से है भाषाई बुद्धि से आशय। तार्किक गणितीय बुद्धि से आशय क्या है? इस बुद्धि से आशय अभिप्राय है तर्क करने की क्षमता व अंकों की बोध से, तर्क करने की क्षमता व अंकों के बोध से है। स्थानिक बुद्धि से अभिप्राय स्थानिक चित्रण व कल्पना शक्ति से है। शारीरिक गतिक बुद्धि से आशय शरीर की गति पर नियंत्रण करने एवं इसमें प्रवीणता लाने की क्षमता से। संगीत बुद्धि में तारत्व तथा लय को समझने तथा संगीत सामर्थ्यता वह निपुणता नहीं रहती है, सामर्थ्य निपुणता नहीं रहती है। व्यक्तिगत आत्मबुद्धि में अपने भावों व संवेगों को नियंत्रित करने विभेद करने स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता नहीं रहती है। जबकि व्यक्तिगत अन्य बुद्धि से अभिप्राय अन्य व्यक्तियों की इच्छा अपेक्षा आवश्यकता आदि को समझने तथा दूसरों के व्यवहार का पूर्व कथन करने की क्षमता आदि से होता है। तो इस तरह से गार्डनर ने सात प्रकार की बुद्धि बताई। गार्डनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में सातों तरह की बुद्धि होती है, किसी में विबुद्धि अधिक होती है, किसी में कम होती है, लेकिन होती जरूर है, थोड़ी बहुत मात्रा में, कम ज़्यादा भले ही हो सकता है, लेकिन होता सब कुछ। परंतु वंशानुक्रम तथा वातावरण के प्रभाव के कारण इनमें कोई एक या अनेक प्रकार की बुद्धि अधिक विकसित हो जाती है, गार्डनर के अनुसार सातों प्रकार की बुद्धि यद्यपि परस्पर अंतः क्रियाएँ करती हैं, फिर भी वह मुख्यतः एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य भी करती हैं। यही कारण है कि किसी एक क्षेत्र में प्रखर होने के बावजूद भी अन्य में असफल हो सकता है। इस सिद्धांत में वो सारी बातें बताई गई कि किस प्रकार से और होता है ये सारी बुद्धियाँ सात प्रकार से, और सातों व्यक्ति के अलग अलग मानसिक कार्यों को करने, यानी एक दूसरे से स्वतंत्र रह करके स्वतंत्र भी हैं और अंतर क्रियाएँ भी परस्पर करती हैं। एक व्यक्ति में सातों तरह की बुद्धि
वृद्धि हो सकती है, और किसी में कम मात्रा में होती है, किसी में ज़्यादा मात्रा में होती है, किसी में एक एक बुद्धि की प्रधानता होती है, किसी में एक से अधिक दो या तीन का भी प्रधानता हो सकती है। तो इस तरह से हमने आज अपने वीडियो में बुद्धि के प्रमुख कार्य के सिद्धांतों के बारे में चर्चा की। हम लोग अगले वीडियो में बुद्धि के क्रिया प्रधान सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं और अगले दिन हम लोग एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, खाते रहिए, पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए और ऐसे ही स्वस्थ रहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबसे विदा लेते हैं और अंतिम वीडियो में हम पुनः आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।